Hello everyone, this is Himan Chaudhary. Welcome back to my YouTube channel. So after a long time, I'm going for a bike ride and I'm going to Gwalior. और इस राइड में मुझे ज्वाइन करने वाला है गोकुल. और वैसे तो काफ़ी सारे लोगों का प्लान था जाने के, लेकिन इन सभी ने मना कर दिया है. और अभी हम हैं दी हेलमेट शॉप पे. ये है मेहुल की शॉप. मेहुल कहाँ गया? हाँ ये रहा मेहुल की शॉप. अरे यार मेरे को भी दिखा. तो झांसी में जो भी लोग कुछ भी राइडिंग गियर्स परचेज करना चाहते हैं तो मेहुल की शॉप पे आ सकते हैं और मेरा नाम लेंगे तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा. यस श्योर. बस याद रखना पुराने पैसे ना मांग ले. पॉइंट. तो अभी इस राइड में मेरे को ज्वाइन करने वाला है गोकुल. पहले कुणाल भी चलने वाला था पुलकित, लेकिन अभी इनके साथ में अभी इन लोगों के साथ में कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं. इनके कुछ पैसे गायब हो चुके हैं और इनकी मौसी का भी एक्सीडेंट हो चुका है. तो अभी कोई नहीं जा रहा है. तो अभी फाइनली मैं और गोकुल निकलने वाले हैं. थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं ग्वालियर में जाके. तो अभी मैंने और गोकुल ने डिसाइड किया है क्योंकि अब हम दो ही लोग हैं तो ज़्यादा तेज बाइक नहीं चलाएंगे. क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम दोनों जाते हैं तो हम लोग की ट्यूनिंग थोड़ी अलग है. हम दोनों बहुत ज़्यादा फास्ट बाइक चलाने लगते हैं. पता नहीं कैसे हो जाता है ये ऑटोमेटिकली. लेकिन इस बार मैंने बोला है इसको कि आराम से चलेंगे. ठीक है तो मुझे बोला इन्होंने और चलाएंगे भी तेज ही. नहीं मैं नहीं चलाऊंगा. ठीक है तो फाइनली अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे चलते हैं बाइक राइड गो. तो अभी राइड स्टार्ट की जा रही है और ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है जो कि मैं गोकुल के आईफोन से शूट कर रहा हूँ. अभी ऑडियो तो मुझे नहीं पता कैसा आ रहा होगा क्योंकि इसमें माइक तो है नहीं. होपफुली ठीक ही आ रहा होगा वॉइस अभी तक तो. फाइनली राइड स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं ग्वालियर की तरफ. आहा भाई क्या गर्मी है सीरियसली बहुत. यार गर्मी तो सीरियसली बहुत ज़्यादा हो रखी है. इस गर्मी में बाइक राइड का सोच रहा हूँ कहीं गलती तो नहीं कर दी बाहर आके. बट अभी तो फाइनली निकल चुके हैं तो अब और कोई ऑप्शन नहीं है. चलते हैं देखते हैं. वैसे ग्वालियर ज़्यादा दूर तो है नहीं. 100 किलोमीटर्स की राइड है तो इतना तो ईजिली कर सकते हैं. और अभी देख सकते हैं मेरे झांसी की सड़कें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं. यहाँ पर भी बाइक चलाने में सीरियसली बहुत मज़ा आने लगा है. पहले के कंपैरिजन में अभी आप देखेंगे तो झांसी में ऑलमोस्ट सारी की सारी रोड्स बहुत ही अच्छे बन चुके हैं. और ये अभी जो जिस साइड पे मैं हूँ ये पॉलिटेक्निक कॉलेज की साइड है. इसको क्या बोलते हैं इस एरिया को क्या बोलते हैं मुझे एक्जैक्टली याद नहीं. एक सेकंड के लिए भी खुला होता ना तो हो जाता. थोड़ा सा लेट हो गया. थोड़ा सा इतू सा अपन गर्मी में मर जाएंगे. छांव में खड़े हो जाएं कहां पे? इधर तो लगेगा टाइम बहुत. यार बहुत ज़्यादा इस रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत टाइम लग गया. ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स तक वेट करना पड़ा. इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है और ऐसे पूरे राइडिंग गियर्स पहनने के बाद में ऐसा लग रहा था कि यार क्या ऐसे इस गर्मी में कैसे रुका जाए यहाँ पे. और इतना ज़्यादा टाइम लगता है इस वाले रेलवे क्रॉसिंग पे इसलिए सोच रहा था कि नहीं लगे, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली ये लगनी ही थी वो लग गई. अब चलते हैं यहाँ से देखते हैं क्या है. और मुझे लग रहा है वैसे कि गलती कर दिया है यार. इतना गर्मी में नहीं आना चाहिए था मुझे राइड पे, लेकिन अब तो जाना है. वैसे भी कुछ ज़रूरी काम है ग्वालियर में वो भी कंप्लीट करने. चलते हैं. और फाइनली हाईवे की तरफ मैं आ चुका हूँ. अब यहाँ से ग्वालियर 96 अप्रॉक्स 96 किलोमीटर से. हाँ 96. We'll be right back.
मैन, इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट सीरियसली। आई थिंक द टेम्परेचर राइट नाउ इज ऑलमोस्ट 46 डिग्री और 45, पता नहीं। ये इंटरसेप्टर का एक फ़ायदा है, इसका RPM सबसे कम भी 1.5 पे, यानी 1500 RPM पे रहता है मिनिमम सेट। तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली इतना तो चली सकती है, 30 की स्पीड तो इस पर ऑटोमेटिकली चलती है, मतलब थ्रॉटल करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम वेट कर रहे हैं गोकुल का, गोकुल थोड़ा पीछे रह गया है, ऑफ लिया है गोकुल ने। अभी ग्वालियर ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर रह गया है, हमने 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ किसी ढाबे पर रोक के थोड़ा यार पानी वगैरह पिया जाए, और खाना वगैरह तो खाते भी हैं, क्या करूँ, रोकने के लिए रुकना चाहिए क्या। लेट मी चेक, ये अभी तक आया नहीं, वो नहीं आया। ये है श्री कृष्णा होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। यार गर्मी 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 बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो भी होटल पे ब्रेक लिया है और यहाँ से कुछ ठंडा वगैरह पी के फिर निकला जाएगा ग्वालियर के लिए। अभी टाइम क्या हो गया, टाइम हो चुका है 2 एक बजे लग नहीं, अभी देख के बताते हैं। चलो वो देख लो, ऑलमोस्ट अभी 30 किलोमीटर ग्वालियर रह गया है और हार्डली क्या आधे घंटे, एक घंटा हुआ हमको, नहीं एक घंटा नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट हम लोग कितना 30 किलोमीटर 15-20 मिनट्स में कवर कर लेंगे और फिर वहाँ पे पहुँच के फिर आपको अपडेट करते हैं। जल्दी से कुछ यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग लस्सी पी चुके हैं और ग्वालियर यहाँ से रह गया है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स। तो चलते हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। ओके, तो आप चला जाए वहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स और चल। तो अभी ग्वालियर में, तो अभी हम लोग ग्वालियर में आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डीपी सिटी मॉल की तरफ, जो कि है ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर और यहाँ से 18 मिनट दिखा रहा है टाइम। देखते हैं कितनी देर में
So finally, we have reached to our destination, that is Gwalior, and it took almost 1.5 hours to reach here. And me and Gokul have decided to stay here for 4-5 hours because it's extremely hot out there. I think the temperature is almost 45 to 46 degrees Celsius, and it was a very wrong decision to go for a ride in this summer, in this hot weather. Oh man, it was extremely hot. And अभी मेरी शक्ल देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसी हालत हो चुकी है. और बट अभी तो हम लोग आ चुके हैं, तो अभी मैंने और गूगल ने डिसाइड किया कि वी विल गेट बैक टू झांसी इन द नाइट टू अवॉइड दिस हीट वेव, एंड वी विल बी देयर बाय 11 or 12 o'clock. सो उसका देखते हैं. बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. द व्लॉग्स आर फाइनली बैक एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट दिस टाइम, एंड होपफुली दिस टाइम आई एम गोना क्रिएट सम गुड कॉन्टेंट. सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.